हेलो गाइस, मेरा नाम आसान सिद्दीकी है। मैं फ्रेगरेंस रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम बात करने वाले एक इत्र के बारे में जिसका नाम है मुश्क अस्वद, और ये आता है अब्दुल करीम अल फरांसी की तरफ से। तो पहले ये जो ब्रांड है इसका नाम अब्दुल करीम अल फरांसी था, बट इन्होंने बाद में अपनी रीब्रांडिंग की। अब इसका नाम है मैसन एंथनी मर्मिन करके। तो ये एक यूके बेस्ड ब्रांड है और अभी इन्होंने जल्दी अपने दुबई में एक शोरूम ओपन किया है। तो ये इंटरनेशनल जो है मेरे हिसाब से दो जगह से ऑपरेट कर दें, एक यूके और दूसरा दुबई से। और इंडिया में जो फ्रेगरेंसेस थे 3-4 साल पहले, इनके प्राइसेस बहुत हाई होते थे क्योंकि लोग वहाँ से इंपोर्ट करते थे फिर यहाँ सेल करते थे। तो अभी जो मुझे एक रिसेंटली काफ़ी एक अच्छा सोर्स मिला है जहाँ पर इंडिया में भी काफ़ी अच्छे इनके प्राइसेस अवेलेबल हैं। तो ये जो हाउस है इसका इंट्रोडक्शन हुआ था, मैं यूट्यूब पे इनकी वीडियोस देखता था, लेकिन हमारे एक दोस्त हैं कलकत्ता के, तारिक भाई, तो उन्होंने अपने कई सारे फ्रेगरेंसेस को 1.5 साल पहले भेजे थे मुझे कि आप इनको ट्राई करिए और अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो बनाइए। और इत्तेफाक से कोरोना वगैरह वाली सारी चीज़ें आ गई तो मैं इनको यूज़ करता था, बट ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि मैं उनको अच्छे से लगा के वीडियो बना पाऊँ। तो ये कुछ काफ़ी लंबा ऐसे वक्त चलता रहा और बाद में मुझे पता चला कि जो बॉटल उन्होंने मस्क अस्वद की भेजी थी वो पूरी लीक कर गई। तो मैंने फिर दूसरे अपने ये जो सोर्स हैं इनका नाम है उमर परफ्यूम्स, वहाँ से अब इनको मंगा के मुझे देना पड़ेगा। ये जो बॉटल है ये 3 ml की है। 3 ml की बॉटल नॉर्मल जो बॉटल होती है इत्र की कुछ उसी तरह की दिखती है, लेकिन जो इनकी 6 ml या 12 ml की बॉटल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखती हैं। कुछ इस तरह की ये बॉटल्स हैं। तो इसकी जो प्रेजेंटेशन है मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और मतलब इसका जो कैप है, कैप के ऊपर एक काफ़ी अच्छी सी डिटेलिंग है, इसके ऊपर इनका ब्रांड का लोगो है और इस पर एक पेपर लगा हुआ है जिसपे इन्होंने मुश्क अस्वद लिखा हुआ है, और बॉटल भी काफ़ी अच्छी है। डिपस्टिक जो है वो थोड़ी इन्होंने यहाँ पे सस्ती लगा दी है, ये प्लास्टिक की, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन ठीक है। तो ये जो इतर है पर्टिकुलर मुश्क अस्वद, अब मुश्क अस्वद जो है इस तरह के बहुत सारे आपको फ्रेगरेंस मिल जाएंगे मार्केट में, मुश्क अस्वद, किबलतुल मस्क, किबल और बाकी गिलाफे काबा, सेम फ्रेगरेंस होते हैं बट डिफरेंट डिफरेंट नाम के साथ, थोड़े बहुत नोट्स चेंज होते हैं। लेकिन ये जो है ये मुझे काफ़ी यूनिक लगा क्योंकि इसकी जो क्वालिटी वो बहुत ज़्यादा हाई है। क्योंकि अभी ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी मुझे लगता है, अच्छे मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं इसलिए इसकी जो क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इसके जो नोट्स हैं, इसके नोट्स में आपको एम्बर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखेगा, वेटिवर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इसमें ऊद काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और इसमें एक स्वीट नोट आता है जो कि इन्होंने बुलाया कि हनी एंड वनीला का ब्लेंड है, और एक ड्राइड प्लम करके इन्होंने एक नोट मेंशन किया। मुझे नहीं पता कि वो कैसे स्मेल करता है, बट इसमें बहुत ज़्यादा एक ऊद, एम्बर और एक स्वीट सी स्मेल आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सॉटिक है और बहुत सही ब्लेंड लगता है मुझे। यानी मुझे, मैंने इस हाउस के कई सारे ब्लेंड ट्राई किए हैं, हिंद किया है इस हाउस का ट्राई मैंने, इस्तांबुल किया है, अंबर शेक किया, वो भी मेरा काफ़ी अच्छा फेवरेट फ्रेगरेंस है, बट क्या है कि वो बहुत ज़्यादा वेयर नहीं कर सकते विंटर के अलावा। ये जो है थोड़ा अवेयरबल है, अगर एयर कंडीशन है तो काफ़ी अच्छे से आप इसको लगा सकते हैं। कुछ इस तरह का फ्रेगरेंस है, इसकी जो स्मेल आप ये समझ लीजिए स्वीट है बट वो बैकग्राउंड में है। इसका जो मेन एलिमेंट है वुडी एम्बरी मस्की काइंड ऑफ फ्रेगरेंस है। इसमें जो मस्क यूज़ हुआ है वो ब्लैक मस्क है। अब मुझे नहीं पता कि ये मतलब नेचुरल है, नेचुरल तो नहीं होगा क्योंकि इतना ज़्यादा नेचुरल जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, और जिस प्राइस पे मिल रहा है मुझे लगता है ये सिंथेटिक और नेचुरल का ब्लेंड ही है। और बाकी जो इसमें नोट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है, बहुत ज़्यादा मतलब सिंथेटिक ऐसा फील नहीं देते, और इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो अगर आप इसके और भी फ्रेगरेंसेस ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और इसकी जो लॉन्जिविटी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, प्रोजेक्शन काफ़ी अच्छी है, लॉन्जिविटी इतनी है कि मतलब 10 से 12 घंटे मेरी स्किन पर रुकता है, और कपड़ों पर तो मतलब मेरे हिसाब से अब तक ना धुलने तब तक आती रहती है इसकी स्मेल। और ये इस तरह के पेपर बॉक्स में आता है, 3 ml की जो बॉटलें हैं इनकी इस तरह के पेपर बॉक्स में आती हैं, और जो 6 ml की बॉटल्स हैं या जो 12 ml की बॉटल्स हैं वो अच्छी, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में आती हैं। तो किस इस तरह का ये था, और मैं और भी इनके फ्रेगरेंसेस को रिव्यू करूँगा आगे चल के। और जिन सेलर से मैंने इसको ख़रीदा था, इनका नाम है उमर परफ्यूम, और ये ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस ब्रांड के इंडिया में, तो आप इनसे मतलब ये झिझक ख़रीद सकते हैं। अभी इसका जो लगाने का मौसम है, मैं बोलूँगा कि इसको आप रेनी सीजन में लगा सकते हैं, आप इसको विंटर में लगा सकते हैं, समर में थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम करेगा,
मिलेगा। और ये टिपिकल एक मिडिल ईस्टर्न ओरिएंटल काइंड ऑफ फ्रेगरेंस है। अगर जेंडर की बात करें तो ये थोड़ा, इसको मुझे लगता है मेल्स ज़्यादा पसंद करेंगे, लेकिन अगर आपको ये सब जेंडर वाली बातों से फ़र्क नहीं पड़ता तो कोई भी लगा, कुछ भी लगा। कॉम्प्लीमेंट्स मैं बोलूँगा कि इससे मतलब गारंटीड नहीं है, लेकिन जो इस तरह की फ्रेगरेंसेस पसंद करेंगे उनको ये ज़रूर पसंद आएगा। लेकिन जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी जस्ट लगाना चालू किया है इत्र वगैरह, उनको ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। मतलब ये मैं बोलूँ कि ये मास प्लीजिंग नहीं है, लेकिन जिनको इस तरह की फ्रेगरेंसेस की पहचान है उनको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो आप इनको ट्राई करिए। और आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके कोई आइडियाज़ हों जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप हमें ज़रूर सजेस्ट करें। और आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।